शुभ सुप्रभात। मैं गोपाल कुमार वर्मा आपके अपना पसंदीदा YouTube चैनल सुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और ये न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से हीट स्टोन ब्रिज पर है। यहाँ लिखा हुआ है सुभ्रा इंस्टीट्यूट 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मीटर ब्रिज। हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, उसी के आधार पर ये बनता है। क्वेश्चन है, टू पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन लेफ्ट आर्म ऑफ मीटर ब्रिज। जो विद्यार्थी मीटर ब्रिज पढ़े होंगे उनको इनका फिगर ध्यान में आ जाएगा। ऐसे मैं बना दूंगा इसे। इफ द नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन राइट आर्म। न्यूमेरिकल में सबसे पहले अगर फिजिक्स है, न्यूमेरिकल बनाना है, अगर फिगर से है तो उसको फिगर पे फोकस करेंगे हम लोग पहले। तो फिगर कैसे बना लें, एक सबसे पहले हम लोग मीटर स्केल ले लेते हैं। ये एक मीटर स्केल ले लिए, एक ही मीटर लेना है इसलिए हम लोग इसको एक मीटर कर दिए हैं। एक मीटर पहले मीटर स्केल ले लेते हैं। मीटर स्केल के बाद कॉपर स्ट्रिप ले लेंगे, दो बीच में गैप के लिए एक कॉपर स्ट्रिप और ये। इसके बाद एक एक मीटर का वायर ले लिए, एक मीटर का वायर। यहां पे कह रहा है कि दो लेफ्ट इन लेफ्ट टू पैरेलल रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म में 5 ओम और 20 ओम पैरेलल है तो 5 ओम और 20 ओम दे दिए। राइट साइड अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। यहां पे एक जॉकी लगा हुआ है जे। यहां पे बताया गया कि अपने पास एक पी क्यू, यहां आर और एस ले लेते हैं बैलेंस के लिए। ये कह रहा है इफ द नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, यहां से जो बैलेंस होने के बाद है वो 40 सेंटीमीटर है तो इधर कितना बच जाएगा, 100 माइनस 40 सेंटीमीटर। इसके बाद ध्यान देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट अगर ये पैरेलल होगा तो पैरेलल मतलब पलट के 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन। कितना है अपने पास 5 ओम और ये कितना है 20 ओम। बहुत आसान, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 20 का एलसीएम, 5 4 4 प्लस 1 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 5 बाय 20 ओम। काट देंगे तो 4 ओम, प्लट देंगे तो आर पी इक्वल टू 4 ओम। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा और ये आपको बताया कि अगर ये पैरेलल हो या सीरीज में हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये पहले का है, पुराने वीडियो में आप देख भी लेंगे, हमने पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर दो अलग अलग थ्योरम दिया है। फिर यहाँ पे हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज, सीधे लिख देते हैं मीटर ब्रिज BRIDG। अब देखेंगे पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। यहां आर है सो अपना आर पी है। पी कितना है, पी 40, क्यू पी 40 सेंटीमीटर, क्यू 100 माइनस 40 सेंटीमीटर, आर पी आया है 4 ओम, एस हम लोगों को फाइंड करना है।
इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। एस ये 5 नहीं है, एस है। तो 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, जीरो से जीरो कट गया, बराबर 4 ओम बाई एस, जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये 4 से 4 भी कैंसिल, क्या बच गया 1 बाई 6 बराबर ओम बाई एस, ओम बाई एस। तो एस बराबर कितना हो गया, नॉन रेजिस्टेंस 6 ओम, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और लगभग 5-6 मिनट में हो गया। सिर्फ एक होमवर्क मैं दे दूं आपको, एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क R1, R2, ये 10 ओम है और ये 25 ओम है, और इंड से दे दिया है, जो 40 सेंटीमीटर जहां पे है वहां पे आप ले लीजिएगा, टेक यहां लिख दिए टेक, 40 सेंटीमीटर की जगह पे 35 सेंटीमीटर, मतलब पी जो हम लोग इसमें P लिए हैं 40 सेंटीमीटर, तो वहां पे आप ले लेंगे 35 सेंटीमीटर। R1 और R2 10 और 20, एक बार हम आपको बता दे, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां सॉरी 25, 10 और 25, और यहां पे 40 की जगह पे 35 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन होगा फिगर के साथ बनाए।